सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे हाल ही में चाइना में लॉन्च हुए वीवो आईक्यू 5O, जो कि गाइस बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में भी ऐसा बताया जा रहा है कि लॉन्च होने वाला है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीवो आईक्यू 5 की इंडियन प्राइसिंग के बारे में, साथ ही में जानेंगे कि कब ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। सो इस वीडियो में आगे बन रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ज्यादा बोर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज की इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 10 लाइक्स का, और आई होप आप पूरा करवा दोगे। सो अगर हम बात करें इस आईक्यू 5 के बॉक्स ही, तो यहाँ पर आपको टिपिकल ब्लैक कलर का जो है आईक्यू 5 का बॉक्स देखने को मिलता है, जैसे कि आपको सभी आईक्यू के फोन में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सामने की तरफ आपको बड़ा सा 5 लिखा हुआ देखने को मिलता है। बात की अगर इनबॉक्स कंटेंट की, तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ जो है डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलती है। आपको एक फोन देखने को मिलता है जो कि है आईक्यू 5, जिसको हम रखते हैं साइड में, जहाँ पर आपको इनबॉक्स जो है एक टीपीयू केस भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आपको हर फोन के साथ आजकल प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर आपको जो है यूएसबी टाइप सी केबल प्रोवाइड की जाती है इनबॉक्स आपके फोन को फास्ट चार्ज करने के लिए। साथ में लास्ट में जो है इस फोन में जो है आपको एक 55 वॉट का जो है फास्ट चार्जिंग एडेप्टर भी प्रोवाइड किया जाता है इनबॉक्स, जो कि आपके फोन को गाइस सिर्फ 50 मिनट्स में जो है 100% चार्ज कर देता है। अगर बात करें गाइस इस स्मार्टफोन के लुक्स की, तो गाइस लुक्स में जो है ये स्मार्टफोन जो गाइस बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। मैं आपको कंफ्यूजन अगर आपको है तो मैं आपको बता दूं कि जो आईक्यू 5 है वो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, वहीं जो आईक्यू 5 प्रो है वहां पर जो है आपको जो है डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 3D कर्व डिस्प्ले है, जिसको आप बोल सकते हैं कि कर्व डिस्प्ले है। साथ में अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो यहां पर गाइस आपको जो है एक 6.56 इंच की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आती है पंच होल कटआउट के साथ। साथ में इस जो डिस्प्ले है इसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और 240 हर्ट्ज तक का गाइस आपको इसमें जो है टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। और साथ में बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो इस फोन में गाइस आपको जो है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। साथ में अगर बात करें इस फोन की, तो गाइस इस फोन की अगर रियर कैमरास की बात कर लें, तो यहां पर आपको जो है ट्रिपल रियर कैमरास आपको इस फोन में देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो कि सैमसंग का G1N नया लॉन्च हुआ प्रोसेसर था। गाइस ये जो प्रोसेसर है बहुत ही अच्छी मतलब फास्ट फोकसिंग के साथ आया है, और बहुत ही एनहेंस प्रोसेसर है अगर इमेज सेंसर की बात करें। तो अगर हम बात करें इसके अगले सेंसर की, तो यहां पर आपको एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस प्रोवाइड किया जाता है रियर की तरफ। साथ में गाइस इसमें जो है आपको कैमरा बम्प भी देखने को मिलता है थोड़ा सा, साथ में एक 13 मेगापिक्सल का एक और सेंसर प्रोवाइड किया जाता है रियर में, जो कि एक टेलीफोटो लेंस है। अगर बात करें इसके कैमरा प्लेसमेंट की, तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैमरा पीछे देखने में जो फोन पर आपको देखने में लगता है गाइस बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। साथ में जो है आपको LED फ्लैश भी देखने को मिलती है फोन में। अगर बात करें फोन के बिल्ड की, तो गाइस फोन जो है फुली ग्लास बिल्ड है पीछे की तरफ से, और सामने की तरफ जो है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, और रियर में भी गाइस आपको जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें गाइस इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, मतलब कि प्रोसेसर की, तो यहां पर गाइस इस स्मार्टफोन में यूज किया गया है लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला चिपसेट, जो कि गाइस एक बहुत ही फ्लैगशिप चिपसेट है इस साल का, और बहुत ही ज्यादा मतलब आउटपुट देता है। अगर बात करें इस फोन की, अगर गाइस हम कंपेयर करें इसे जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था आईक्यू 3 के साथ, जो कि गाइस इसी ईयर कुछ जनवरी या फरवरी के आसपास लॉन्च किया गया था, जो कि फर्स्ट 5G फोन भी बनकर आने वाला था इंडिया में उसके साथ, तो यहां पर गाइस कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं इस फोन में, बाकी सब जो है आपको सेम देखने को मिलता है। गाइज अगर बात करें इस फोन में आपको जो है यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, LPDDR5 वाली रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज के सपोर्ट के साथ ये फोन लॉन्च किया गया है चाइना में। अब बात करें गाइज इस फोन के इंडियन लॉन्च की, तो गाइज ऐसा बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में जो है ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और प्राइस की बात करें, तो गाइज इस स्मार्टफोन में जो है आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं चाइना में, जहां पर आपको इसमें बेस वेरिएंट देखने को मिला था 8128 का, फिर आपको एक और वेरिएंट देखने को मिलता है 12128 का, और टॉप वेरिएंट देखने को मिलता है 12256 GB का। अगर बात करें गाइस इसमें एंड्रॉइड वर्जन की, तो इसमें आपको जो है गाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है होने वाला है आईक्यू UI 1.5 पर, जब ये चाइना में गया था। साथ में गाइस अगर बात करें इस फोन के थिकनेस की, तो गाइस ये जो फोन है इसमें जो आपको थिकनेस देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है 8.7
मिलीमीटर्स की। साथ में जो फोन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 197 ग्राम से देखने को मिलता है, मतलब कि गाइस आपको जो फोन है थोड़ा सा हैवी देखने को मिल सकता है। साथ में अगर बात करें इसके बैटरी की तो गाइस इस फोन में जो है 4500 mAh की बड़ी बैटरी प्रोवाइड की गई है, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था वीडियो की शुरुआत में कि इसमें आपको 55 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फोन को सिर्फ 50 मिनट में जो है फुल चार्ज कर देता है। बात करें गाइस अगर इस फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो गाइस इस फोन में जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। साथ में अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की और इंडियन लॉन्च की एक बार फिर से, तो गाइस ये जो फोन है 41,000 की प्राइस पर गया है चाइना में, और इसी प्राइस पर जो है गाइस ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। साथ में अगर बात करें इसके 8GB 128GB की, जिसकी मैंने आपको प्राइस बताई जो की है 41,000, उसके बाद इसका जो 12GB 128GB है उसकी जो प्राइस गाइस 45,000 रखी थी चाइना में, और इसी प्राइस पर गाइस मुझे लगता है इंडिया में भी लॉन्च होगा ये। साथ में अगर हम बात करें इसके 12 to 56 GB वेरिएंट की तो गाइस ये मैं श्योर नहीं हूं कि ये वाला वेरिएंट इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं। अगर लॉन्च होता है तो गाइस इसकी प्राइस जो है ऐसे बताया जा रहा है कि आपको इसमें जो है 48,000 की देखने को मिल सकती है। सो एट लास्ट बात करें अगर इसके लॉन्च डेट की तो गाइस ऐसे बताया जा रहा है कि इंटरनल्स की तरफ से कि 23 अक्टूबर को जो गाइस ये फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और इसके साथ आईको 5 प्रो वेरिएंट भी आने वाला है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।